देश की मशहूर गायिका और सुरों की साम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज निधन हो गया है। इनके निधन के बाद बॉलीवुड समेत पूरे देश में शोक की लहर है। उनके निधन के बाद देश के दिग्गज नेताओं से लेकर सेलिब्रिटीज तक अपना अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली लता मंगेशकर कितने करोड़ की मालकिन थीं? आइए आज हम आपको उनकी संपत्ति, बंगले और कारों के कलेक्शन के बारे में बताते हैं। पॉश इलाके में है इनका बंगला। लता मंगेशकर के घर की बात की जाए तो इनके पास आलिशान बंगला है। इनका बंगला दक्षिण मुंबई के पेडर रोड पर स्थित है। इस बंगले का नाम प्रभु कुंज है। साउथ मुंबई के पॉश इलाके में इनका बंगला है। 370 करोड़ की है कुल संपत्ति। लता मंगेशकर ने महज 13 साल की उम्र में डेब्यू किया था और इस समय इनकी पहली कमाई सिर्फ 25 रुपए की थी। रिपोर्टर्स के मुताबिक लता मंगेशकर के पास करीब 370 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। बता दें कि ये कमाई उन्होंने ज्यादातर गानों की रॉयल्टीज से की है। इसके अलावा उन्होंने काफी निवेश भी कर रखा है। कारों की भी थी काफी शौकीन। लता मंगेशकर को कारों का काफी शौक था। उनके कलेक्शन में काफी लग्जरी कारें शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सबसे पहली कार शेवरले थी। इस कार को उन्होंने अपनी मां के लिए खरीदा था। इसके अलावा उनके पास ब्यूइक क्राइसलर भी थी। वहीं यश चोपड़ा ने वीर ज़ारा के म्यूजिक रिलीज के समय पर उनको गिफ्ट में मर्सिडीज दी थी। यश चोपड़ा के लिए लता जी उनकी बहन की तरह थी।